हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शो भी। क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया है। साउथ की मूवीज़ हैं और वो काफ़ी ज़्यादा कमाल कर रही हैं बॉक्स ऑफिस के ऊपर, तो डिस्कशन तो बनता है। क्या वो मूवीज़ बहुत अच्छी हैं जेन्युइनली? आई वुड से कोई मतलब सिनेमा वाला बात नहीं है, और ना कोई वो जिसे कहते हैं ना हीरोइज्म से भरी हुई RRR या फिर KGF वाली कोई बात है इसके अंदर। बट इसके पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीज़न है कि क्यों ये मूवीज़ चल रही हैं, और उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं बोलूँगा लोगों का अनकंडीशनल प्यार और साथ फॉर देयर एक्टर्स, जो कि हिंदी सिनेमा में बहुत मिसिंग है आज की डेट में। लोग बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं और साथ में खड़े नहीं होते हैं, और क्योंकि वो खड़े नहीं होते हैं उनके साथ में, तो क्या होता है कि बस पहले दो बोलने वाले थे अगेंस्ट, अब 10 हैं, और 10 के 10 जो हैं वो सिर्फ हर चीज़ में नुक्ताचीनी करने निकल गए हैं। बट एनीवेज, ये जो कुछ हम चार मूवीज़ के बारे में बात करने वाले हैं, ये बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, और एक मैं आपको धमाका के बारे में भी बता दूंगा, वो बोनस ले लेना। तो धमाका से ही शुरू करते हैं। अभी जो उसका टोटल बिजनेस जो हो चुका है वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, वो 80 करोड़ हो चुका है, तो काफ़ी मैसिव हिट है। बहुत कोशिश करी रवि तेजा ने कि हिंदी डब में वो मूवी लेके आएँ और हिंदी सेंसिबिलिटी हिंदी बेल्ट में चल पाएँ, बट किसी वजह से वो चल नहीं पाए। लेकिन अपनी टेरिटरी के अंदर, तेलुगु स्टेट के अंदर उनका ये धमाका मूवी चमक गया है और 80 करोड़ रुपीज़ के आसपास उसने क्लॉक कर लिया। अब अगर हम बात करें जो रीसेंट रिलीजेज हैं, चाहे वो थुनीवू हो, चाहे फिर वारुसू हो, चाहे फिर वो वेड़ मराठी मूवी हो, या फिर आज रिलीज हुई वीरा सिम्हा रेड्डी हो, इन सब के बारे में बात करेंगे। आवाज़ मेरी जो कम हुई है उसमें काफ़ी दर्द है। पहले बात करते हैं थुनीवू की, जो कि Day 22 वाले दिन भी काफ़ी अच्छा कमाल कर रही है, लेकिन एक डिप ज़रूर आया है इसके अंदर। कल जो मैंने आपको कलेक्शन बताई थी वो थी 22 नेट, 26 ग्रॉस और 32 वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जो कि प्रोड्यूसर्स ने रिवाइज नंबर दे दिया, तो हम उसको ही फॉलो करेंगे। 24 करोज नेट, 29 करोज ग्रॉस और 38 करोज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। 38 करोज सुन के तो मैं थोड़ा सा हिल गया, मैंने कहा यार ये तो बहुत ही बढ़िया काम हो गया, काफ़ी बड़ा नंबर है ये। तो जो इसका रिवाइज नंबर आ जाता है वो है 24 करोज डे वन का, 15 करोड़ ये आज करेगी सैटरडे संडे में, ऑफकोर्स ये काफ़ी अच्छा पिक करने वाली है, तो 39 करोज इसका नेट हो जाता है। वहीं अगर हम बात करें वारिसू की, तो कल मैंने आपको बताया था 22.5 नेट, 26.5 ग्रॉस और 32.5 मैंने बताया था आपको वर्ल्ड वाइड कलेक्शन, जिसके भी रिवाइज नंबर आ गए हैं। 22.5 अचानक से 27 करोड़ हो गया प्रोड्यूसर्स ने बताया, लेकिन हम इसी को मानेंगे कि प्रोड्यूसर भाई साहब ठीक ही कह रहे होंगे अगर पब्लिश कर रहे हैं वो। तो 31 करोड़ हैं इसका ग्रॉस और 46 करोड़ रुपीज़ के आसपास है इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। इससे ये सीधा पता चल जाता है कि जो थलापति विजय, उनकी जो मूवी थुनीवू से थोड़ी सी वीक है, लेकिन उनकी जो फैन फॉलोइंग है फिरंग मार्केट के अंदर, फॉरेन मार्केट के अंदर, वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से 46 करोड़ होता है। बहरहाल अगर हम रिवाइज नंबर्स की बात करें तो लगभग 27 करोड़ प्लस 16 करोड़ रुपीज़ मेक्स 43 करोड़ अगेंस्ट 39 करोड़ ऑफ थुनीवू, तो आप ये समझ सकते हैं कि करीबन 4 करोड़ से बारिसू जो है अभी फिलहाल के लिए आगे चल रही है। मेरे को ऐसा लगता है कि अल्टीमेटली शायद थुनीवू शायद थोड़ा सा आगे निकल जाएगी, इट्स अ बेटर कंटेंट, बट यू नेवर नो, क्योंकि यहाँ पर ये जो नंबर्स आ रहे हैं एक एक छोटी छोटी दो दो स्टेट के अंदर, वैसे में तो हिंदी में रिलीज भी नहीं हुई है ये, तब ये इतने बड़े बड़े नंबर हैं, तो ये तो सिंपल इंडिकेट करता है कि जो फैंस है वो अनकंडीशनल लव दे रहे हैं। अनकंडीशनल लव मिला वेड़ को भी। वेड़ एक मराठी मूवी है जिसके अंदर जेनेलिया डिसूजा और डायरेक्टर एक्टर रितेश देशमुख हैं। इसका डे 14 दो हफ्ते क्लोज करने के बाद भी आज इसने 1.25 करोड़ कमाए, कल तक ये 39 करोड़ पे थी, तो आज ये लगभग 40 करोड़ रुपीस कर चुकी है, तो थोड़ा सा एक अच्छा 40.5 करोड़ कर चुकी है, तो अच्छा है। मराठी मूवी जो इस तरीके के नंबर्स करती है उसको ब्लॉकबस्टर बोला जाता है, काफ़ी अच्छे इसके नंबर्स हैं और 45 करोड़ रुपीज़ के आसपास का ग्रॉस है, तो वेरी गुड नंबर। अब अगर एक बात करें कि यार वीरा सिम्हा रेड्डी ये क्या मूवी है, ये तो पता नहीं मूवी ही कैसे है ये। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ इस मूवी को लेके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी आप एज एन एक्टर अपने ऑडियंस के सामने आते हैं तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, बालाकृष्णन साहब की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ओवर 40 ईयर्स आई कांट बी जस्ट डूइंग सेम थिंग दैट आई एम डूइंग फॉर 40 ईयर्स नाउ, इट्स अ बोरिंग यार, इट्स अ जारिंग, बट नहीं, ही कंटिन्यूज टू डू व्हाट ही डज। तो यंगर एज के भी बने हुए हैं, ओल्डर एज के भी बने हुए हैं, ओल्डर एज में ऑब्वियसली ही लुक्स मोर ग्रेसफुल देन द यंगर एज, बट वो है वही नाटक के कार्टून टाइप एक्शन,
जैसा कोई सर पैर नहीं है, मतलब आप इस मूवी के साथ तो ये किसी भी तरीके से ना तो एक्शन वाइज, ना इमोशन वाइज, ना स्टोरी वाइज कनेक्ट कर पाओगे। अखंडा के साथ तो फिर भी लोगों ने कनेक्ट किया था, लेकिन इसका जो वर्ल्ड वाइड कलेक्शन जो इंडिकेटिवली आ रहा है वो 32 से 33 करोड़ आ रहा है। तो जितनी भी साउथ की मूवीज़ हैं वो 30-35+ करोड़ रुपीज़, कुछ 40 करोड़ रुपीज़ टच कर रही हैं। व्हाट डज इट इंडिकेट? दीज आर ऑर्डिनरी मूवीज, दीज आर नॉट वेरी ग्रेट मूवीज़ के आपने ऑस्कर विनिंग मूवीज़ बना दी हैं, आपको बड़ा प्राउड फील हो रहा है आपने वीरा सिम्हा रेड्डी बना दी है। कुछ सेगमेंट ऑफ लोगों को ये ठीक लगेगी, बाकी बाकी तो ये कोई लोग इसको देखने भी नहीं जाएंगे अगर ये हिंदी में रिलीज भी हो जाएगी तो। तो इस ये क्यों है? ये इसीलिए है कि कुछ सेगमेंट ऑफ लोगों ने इस स्टार को इतना ज़्यादा प्यार दिया, वो कंटिन्यूड है, वो साथ नहीं छोड़ देते हैं बीच के अंदर जैसे हिंदी सिनेमा में यूजुअली होता। तो जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। अब वाल्टर बरैया भी रिलीज़ हो रही है, कल देख के आएंगे और आपके साथ उसका रिव्यू भी शेयर करेंगे। जिन्होंने वारिसी अभी तक नहीं देखी है वो भी हिंदी में रिलीज़ हो रही है, तो नीबू हिंदी में नहीं रिलीज़ हो रही है, बाद में डब होके शायद गोल्ड माइंस के ऊपर आएगी, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं आ रही। तो जो नहीं देख के आ पाए हैं वारिसी, देखना चाहते हैं थलापति विजय को, तो जाइए कल, ठीक है? बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। नए आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।